झारखंड के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम इन दिनों पूरी तरह से विवादों में घिरे हुए हैं। इस बीच आज बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि हाल ही में आलम के सचिव और उनके नौकर के घर से 36 करोड़ नकदी जब्त की गई थी। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दो दिनों तक यानी कि लगभग 15 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ के बाद ईडी ने आखिरकार झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद उनकी जांच करने के लिए मेडिकल टीम सदर अस्पताल रांची के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मयूख कुमार ने बताया कि वह ठीक हैं, लेकिन बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन यह सामान्य सीमा के भीतर है। वह बीपी शुगर की दवाएं लेते हैं और उन्हें दवाएं जारी रखने की सलाह दी गई है। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए वही रूटीन एग्जामिनेशन जो है किया गया है। क्या कुछ पाया गया उसमें? सही था सर, बीपी हल्का सा हायर साइड में था, वैसा कुछ नहीं है। शुगर का दवाई वो खाते हैं, वो नोन केस है, नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, तो ही हैज बीन एडवाइज टू कंटिन्यू हिज मेडिकेशन। एवरीथिंग इज स्टेबल। वो जो दवाई खा रहे हैं वही उनको खाने के लिए बोला गया, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, हमें जब आदेश मिलेगा हम आएंगे। धन्यवाद। हॉस्पिटल में मिलते हैं। मेडिकल टीम के बाद मंत्री आलमगीर आलम से मिलने उनके परिजन ईडी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि ईडी ने हाल ही में आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम, बिल्डर मुन्ना सिंह और उनके करीबियों समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई राज्य ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले में की गई थी, जहां से ईडी को करोड़ों रुपए नकद मिले थे। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आलमगीर आलम के अलावा ऐसे कई सफेदपोश नेता आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे सभी नेताओं के लिए एक सीख है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल में जाना ही पड़ेगा। योजना बना करके उस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा, सदुपयोग किया जाएगा। इसलिए आलमगीर आलम के अलावा ऐसे कई सफेदपोश लोग आज भी हैं, ऐसे कई नेता और कई अफसर, इसलिए सबको ये सीख है कि राजनीति में शुचिता और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो जाना ही पड़ेगा जेल में। कांग्रेस का कहना है किसने रखवाए, किसने पैसे जो बरामद हुए, जिनके घर से बरामद हुए, उनका कहीं पर स्टेटमेंट भी तो आया, एविडेंस भी है। आप दोष दूसरे को दीजिएगा, आप अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को भ्रष्टाचार करने पर रोक नहीं लगाइएगा, जनता के पैसों को लूटने की इजाज़त दीजिएगा कांग्रेस के लोग, तो जनता की नज़रों में भी गिरेंगे और कानून के गिरफ्त में भी आएंगे।